Hello my dear students, how are you? I hope all of you are safe and fit at your home and doing your work regularly and attending your classes. Beta ji, today we are going to discuss our booklet work from the chapter Fish Tale. Before starting discussion, beta ji, I request those who are not sending and attending their classes, please beta ji, be regular. Because you are a good student and you know how to be regular in your classes. So, let us start our today's discussion. G, let us discuss our chapter fish Fishtail from the booklet. In the first worksheet, First question, the numeral form for the 6, 5, आपको इसमें इसकी लिखनी है. है है. क्या होती होती बेटा जी? Form होती है. आपको यहाँ पे नंबर नेम दिया गया है तो बेटा जी आपको लैक से पता चल गया है कि this is an Indian system. तो अगर आप जब भी नंबर नेम लिखेंगे तो यू हैव टू राइट प्लेसेस अगर आप प्लेसेस को लिख कर चलेंगे बेटा तो आपकी करेक्शन हंड्रेड परसेंट होगी और आपकी मिस्टेक्स बहुत कम होंगी लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी प्लेस में मिस्टेक हो सकती है तो दिस इज सिक्स लैक तो यू विल राइट सिक्स अंडर द लैक प्लेस फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड मतलब थाउजेंड के नीचे फाइव को लिखना है टेन थाउजेंड के नीचे कुछ नहीं है तो यू विल राइट जेरो सिक्स हंड्रेड यानी कि हंड्रेड के नीचे यू हैव टू राइट द सिक्स देन फिफ्टीन वन वन फाइव फिफ्टीन नाउ वन के जी इज इक्वल्स टू थाउजेंड ग्राम आप सबको ही पता है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए लॉक बोट ट्रैवल्स फोर किलोमीटर इन वन आर बेटा जी ये दो फोर किलोमीटर इन वन आर है ना तो दैट मीन्स दिस इज टेलिंग यू द स्पीड ऑफ द लॉक बोट ये आपको क्या बता रहा है स्पीड बता रहा है लॉक बोट की नाउ हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल ट्वेंटी किलोमीटर डिस्टेंस इज गिवेन एंड लॉन्ग हाउ लॉन्ग का मतलब वट यू हैव टू कैलकुलेट इज टाइम यू हैव टू कैलकुलेट इज टाइम आपको जैसा हमने बताया था कि डी एस टी के लिए आप एक फिगर को याद रखेंगे ट्रैंगुलर डी एस टी नाउ डिस्टेंस एंड स्पीड इज नाव सो डिस्टेंस एंड स्पीड ऊपर नीचे हैं तो दैट मीन दे आर डिवाइडिंग सबसे पहले कौन है डिस्टेंस तो यू विल यूट ट्वेंटी अब स्पीड इज देयर स्पीड क्या है फोर किलोमीटर पर आवर सो यू विल राइट फोर वेन यू डिवाइड ट्वेंटी बाई फोर यू विल गेट फाइव आवर सो द लोक बोट विल टेक फाइव आवर्स ठीक है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीन फिशर वीमेन ऑफ जामनगर हैव स्टार्टेड ए बैंक ईच ऑफ दैम डिपॉजिट नाइन हंड्रेडी फाइव एवरी मंथ वट अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन द बैंक इन एयर आपसे टोटल अमाउंट पूछी गई है इन ए ईयर देखिए बच्चा सबसे पहले एटीन फिशर वुमेन्स बैंक में डिपोजिशन स्टार्ट करते हैं लेकिन यहाँ पर आपको कह रहा है ये एवरी मंथ में ईच ऑफ़ देम यानी कि हर एक लेडी 965 डिपॉजिट करवाए अगर हर लेडी 965 डिपॉजिट करवा रही है तो 18 लेडीज़ कितना करवाएंगी 18 मल्टीप्लाई विद 965. हंड्रेड सिक्सटी वेन यू मल्टीप्लाई नाइन विद 18 यू विल गेट 17,370 थाउजेंड सो हाउ मच मनी ईच ऑफ देम आर डिपॉजिटिंग नाइन हंड्रेड सिक्सटी फाइव एंड कलेक्टिवली एटीन लेडीज विल डिपॉजिट सेवेंटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवेंटी अब ये बात कर रहे हैं कि ये तो एक मंथ की बात हो रही है एवरी मंथ दे आर वॉन्ट्स टू नो अबाउट ए ईयर ईयर का मतलब क्या है ट्वेल्व मंथ्स वॉट डू यू मीन बाई ईयर ट्वेल्व मंथ्स सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर विद दिन ट्वेल्व आपको ये किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ट्वेल्व से क्यों क्योंकि ये एक मंथ के बारे में पता था 12 मंथ का निकालना है तो वी इट विद 12 सो यू व्हेन यू मल्टीप्लाई लैख एट थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी रुपीज आपको कितना मिलेगा टू लैख एट थाउजेंड फोर हंड्रेड फोर्टी रुपीज नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ए सीमेंट टैंक कोस्ट रुपीज थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी फाइव रमन वॉन्ट्स टू बाय थ्री सीमेंट टैंक्स रमन को कितने सीमेंट टैंक्स खरीदने हैं बेटा थ्री टैंक्स खरीदने और उसके पास टेन थाउजेंड रुपीज़ है कितने रुपीज़ हैं टेन थाउजेंड हमें बताना है क्या वो टेन थाउजेंड में ख़रीद सकेगा या नहीं सपोज कीजिए मेरे पास एक पेंसिल है जिसकी कॉस्ट है टू रुपीज़ ठीक है टू रुपीज़ है लेकिन मुझे थ्री पेंसिल्स खरीदनी है और मेरे पास टेन रुपीज़ है तो आप मुझे तभी बता सकते हो कि अगर मैं पेंसिल्स ख़रीद सकती हूँ या नहीं अगर आपको पता हो कि थ्री पेंसिल्स कितने की आ जाएंगी तो यू विल कैलकुलेट टू मल्टीप्लाई विथ थ्री सो सिक्स रुपीज़ तो आप मुझे कह सकते हो यस मैम यू कैन परचेज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ थ्री पेंसिल इज सिक्स रुपीज़ एंड यू आर हैविंग द टेन रुपीज़ तो अब हमें ये जानना है कि रमन परचेज कर सकता है या नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा रमन की कैलकुलेशंस तो देखिए कॉस्ट ऑफ वन टैंक आपको पता है कॉस्ट ऑफ वन टैंक कितनी दी गई है आपको थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एट्टी फाइव रुपीज़ कॉस्ट दी गई नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इट फॉर द थ्री तो यू विल मल्टीप्लाई विथ थ्री बेटा जी हमेशा याद रखिए जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वंस प्लेस से स्टार्ट होते हैं तो डिजिट्स को भी आप हमेशा पीछे से लिखेंगे अगर आप आगे से लिखेंगे तो दैट वॉज द रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन यू हैव टू राइट द डिजिट फ्रॉम द वंस प्लेस ओनली

इन द नेक्स्ट वर्कशीप बेटा यू हैव टू टेल द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड लाइन डिजिट बट बाय द मिस्टेक इट इज़ नॉट मैंशन हेयर कि कौन से डिजिट का करना है मिसप्रिंट हो गया है तो यू कैन टेक एनी ऑफ योर चॉइस इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ योर चॉइस यू कैन गिव गो विद माई चॉयस आई वॉन्ट टू टेक फाइव एंड नाइन सो द प्लेस ऑफ फाइव प्लेस ऑफ फाइव वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड सो यू विल राइट टेन थाउजेंड एंड द प्लेस वैल्यू विल बी फिफ्टी थाउजेंड ओके नाउ नाइन का प्लेस क्या हो जाएगा यहां पर हंड्रेड सो द्लेस वैल्यू विल बी नाइन हंड्रेड ओके नाउ आई वॉन्ट टू टेक दिस्यू फॉर बोथ दिक्कसिंग टू देअर प्लेस इज वेड थाउजेंड टेन थाउजेंड फर्स्ट सिक्स इज ऑफ एट टेन थाउजेंड एंड द नेक्स्ट इज लैक टेन लैख इट इज ऑन टेन लैख

फ्री टू डू सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ए बोट कैन कैरी नाइनटीन के जी फ्रेश फिश हाउ मैनी बोट्स आर नीडिड टू कैरी अब देखिए बच्चा मैंने आपको हमेशा बताया कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ थिंग्स तो आपको क्या करना होता है हमेशा वेरी गुड यू हैव टू डिवाइड अब देखिए ये क्या है ये भी फिशेज का वेट है ये क्या है ये भी फिशेज का वेट बट अगर आप ध्यान देंगे तो एक छोटा सा डिफरेंस है इनमें ये ग्राम में है और ये किलोग्राम में है या तो आप दोनों को किलोग्राम में चेंज कर लीजिए या दोनों को ग्राम में चेंज कर लीजिए हमें पता है वन किलोग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम है ना यही होता है या तो इसको नाइनटीन थाउजेंड बना लीजिए या फिर इसको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए इट इज़ अप टू योर तो आई विल मेक दिस नाइनटीन थाउजेंड ग्राम्स ठीक है अब मुझे क्या करना पड़ेगा जो हमारे पास है हमारे पास कितना है फिफ्टी सेवन थाउजेंड ग्राम्स हमें चाहिए एंड नाइन्टीन थाउजेंड ग्राम ला सकते हैं एक बारी में तो वेन वी विल डिवाइड थ्री जेरोज बाई थ्री जेरोज एंड नाइनटीन थ्रीज फिफ्टी सेवन सो द नंबर ऑफ बोट्स रिक्वायर्ड इज थ्री ओके नाओ सीमा टू के लोन सीमा लोन लेती है रुपीज़ एट थाउजेंड फाइव नाइन्टी सिक्स का शी पेज़ बैक नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड एट्टी सिक्स रुपीज द बैंक अब हमें बताना उसने इंटरेस्ट कितना पे किया जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो अमाउंट हम पे करते हैं फाइनल करके जो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो क्या होती है हमारी इंटरेस्ट तो देखिए इंटरेस्ट निकालने के लिए आपने क्या करना है सब्ट्रैक्शन आपने अमाउंट कितनी पे की सीमा ने नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्स रुपीज और उसको पे कितनी करनी थी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइनटी सिक्स रुपीज़ तो उसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे की है हाउ मच शी हैड पेड एन एक्स्ट्रा अमाउंट लेट इज कैलकुलेट जेरो नाउ इट इज एटीन एटीन माइनस नाइन इज नाइन दिस इज इलेवन इलेवन माइनस फाइव इज सिक्स एंड दिस इज एट एट माइनस एट इज जीरो सो शी है इंटरेस्ट ऑफ रुपीज सिक्स हंड्रेड नाइन्टी नाउ सीमा वॉज एबल टू रीपे द लोन इन टू मंथ्स सीमा सीमा को ये जो लोन था वो कितने महीने में भरना था टू मंथ्स में भरना था ठीक है और वो दोनों मंथ्स में बराबर का हिस्सा भरती है ठीक है ऐसा नहीं है एक में ज़्यादा एक में कम वो क्या करती है दोनों मंथ्स में इक्वल अमाउंट पे करती है तो हर मंथ में कितनी पे की होगी तो वी विल डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ सीमा By two, when we will divide, you will get the rupees. You will get rupees four thousand six hundred forty-three. Now coming to the worksheet number third, sixty-three kg. One kg is equals to thousand grams, so sixty-three kg is equals to sixty-three thousand gram. वन किलोमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मीटर नाउ डैश लैक इज इक्वल टू वन करोड़ तो देखिए बेटा आपको पता है टेन लैख तो होता है प्लेस में लेकिन टेन लैख के बाद जस्ट कौन आ जाता है वन करोड़ क्यों आता है इसका मतलब वहां पर कितने लैक्स मिल चुके हैं हंड्रेड लैक्स मिल चुके हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वन करोड़ से नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द बिलो क्वेश्चन यूजिंग दिस टेबल हमें इस टेबल को यूज करना है और नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है प्राइस लिस्ट दी गई है आपको हाउ मैनी के जी ऑफ सरडाइन कैन यू बाई इफ़ यू हैव रुपीज़ फाइव हंड्रेड एटी एट आप रुपीज़ फाइव हंड्रेड एटी एट के साथ कितनी सरडाइन खरीद सकते हो तो यू हैव टू कैलकुलेट हाउ मैनी के जीज यानी कि अमाउंट ऑफ सरडाइन यानी कि नंबर ऑफ़ सरडाइन यू कैन परचेज तो आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड वट यू हैव टू डू डिवाइड हमारे पास कितने रुपीज़ हैं हमारे पास फाइव हंड्रेड एटी एट रुपीज़ है लेकिन सरडाइन खरीदने के लिए हमें कितने चाहिए थे सिर्फ नाइनटी एट रुपीज़ कितने चाहिए थे नाइन्टी एट सो वेन यू विल डिवाइड फाइव हंड्रेड एटी एट विद नाइन्टी एट तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा वेन यू मल्टीप्लाई नाइनटी एट 6, यू विल गेट फाइव हंड्रेड एटी एट सो दिस इज सिक्स के जी यू कैन बाय नाउ ग्रेसी बायस टू के जी ऑफ फ्रेश फिश ग्रेसी कितना खरीदी है टू के जी फ्रेश फिश वन के जी ड्राई फिश फोर के जी किंग फिश एंड पेज रुपीज थाउजेंड वट अमाउंट शी विल गेट पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ग्रेसी का बिल कितने का बना है अगर हमें पता होगा कि ग्रेसी को पे कितने करने हैं तो हम बता सकते हैं कि उसे थाउजेंड में से कितने वापस मिलेंगे सो लेट इस कैलकुलेट तो टू के जी फ्रेश फिश की अमाउंट कितनी हो जाएगी देखिए फ्रेश फिश थी सिक्सटी फाइव की तो टू के जी की लेंगे तो कितना हो जाएगा टिक्सटी फाइव मल्टीप्लाई विथ

लेकिन अगर मैं वंस प्लेस से लिखूंगी हमेशा नंबर को चाहे वो मल्टीप्लाई है एडिशन है सब है तो हमेशा क्या होगी हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट ठीक है फोर के जी ऑफ किंग फिश किंग फिश कितने रुपीज़ की है देखो जल्दी से वेरी गुड वन हंड्रेड फाइव की तो यू विल मल्टीप्लाई वन हंड्रेड विद फोर तो वेन यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट फोर फाइव ट्वेंटी टू फोर वन फोर सो शी हैज टू पे फोर हंड्रेड ट्वेंटी रुपीज़ फॉर किंग फिश ठीक है अब टोटल बिल करते हैं उसका फाइव टेन प्लस टू ट्वेल्व वन बोरो फोर फाइव सिक्स शी हैज टू पे बट शी हैज गिवन थाउजेंड रुपीज अब देखो अगर मैं यहाँ सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव लिखूंगी तो ये प्लेस जर रह जाएगा और अगर ये रह गए तो आपकी कैलकुलेशन गलत सो आई हैव टू राइट फ्रॉम द लास्ट प्लेस वंस प्लेस से करना पड़ेगा तो वेन वी विल सब्रैक्ट वी हैव टू टेक द बोरोज 10 minus 5, 5, it becomes 9, 9, and this is 0. 9 minus 2, 7, 9 minus 6, 3, and 0 means 0. So, you will get, she will get, Gracie will get rupees 375 after paying the bill. Okay. Now, Shamu buys 500 gram of sardine. What amount she. शुड ही पे अब शामों कितनी लेके आए फाइव हंड्रेड ग्राम सर लेकिन सरडाइंस की कॉस्ट तो दी गई थी नाइन्टी एट रुपीज फोर वन के जी वन के जी के लिए अब फाइव हंड्रेड ग्राम का मतलब क्या हो गया आधी यानी कि हाफ के जी तो उसको पैसे भी क्या करने पड़ेंगे हाफ करने पड़ेंगे तो कॉस्ट ऑफ हाफ के जी ऑफ सर डाइन इज इक्वल्स टू नाइनटी एट मल्टीप्लाई विथ हाफ वेन यू विल डिवाइडेड बाई द टू क्यों डिवाइड किया क्योंकि डिनोमिनेटर का काम क्या होता है हमारा डिवाइड करने का मैन यू डिवाइडेड बाई टू यू विल गेट रुपीज फोर्टी नाइन सो हीज टू पे रुपीज फोर्टी नाइन नाउ कमिंग टू द वर्कशीट नंबर फोर जैसा की आपको फोर्थ क्लास में मैंने रोमन न्यूमरल्स करवाए थे बेटा है ना तो हमने रोमन न्यूमरल्स में याद रखना है कि टेन को बोलते हैं एक्स फिफ्टी को बोलते हैं एल और हंड्रेड को क्या बोलते हैं सी एक मेन रूल था रोमन न्यूमरल्स का कि कोई भी सिंबल तीन बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता तीन बार से ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता अब ट्वेंटी नाइन लिखना है तो ट्वेंटी नाइन कैसे बनाए ट्वेंटी प्लस नाइन है ना तो ट्वेंटी की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी टेन प्लस टेन एक्स एक्स और नाइन वन एक्स सो दिस इज ट्वेंटी नाइन नाउ सिक्सटी थ्री कैसे बनाए जल्दी बताओ मुझे सिक्सटी प्लस थ्री वेरी गुड लेकिन सिक्सटी के लिए मैं टेन 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 सिक्स टाइम्स तो नहीं कर सकती तो आई विल यूज विच वन नंबर वेरी गुड आई विल यूज फिफ्टी सो दिस इज फिफ्टी प्लस टेन एल एक्स है ना देखो फिफ्टी प्लस टेन गिवज यू सिक्सटी 50 की रिप्रेजेंटेशन होती है एल और 10 की होती है एक्स तो 60 की क्या हो जाएगी एल एक्स नाउ थ्री मीन्स थ्री सिक्स ऐसे ही सेवेंटी नाइन की क्या होगी फिफ्टी प्लस टेन प्लस टेन एल एक्स एक्स एंड नाइन वन नाइन ओके फोर्टी एट फोर्टी एट जो है वो फिफ्टी से कैसे बनेगा बता सकते हो आप मुझे वेरी गुड फिफ्टी माइनस टेन फिफ्टी माइनस टेन गिव्स यू फोर्टी अब बेटा जी जब हम एडिशन करते हैं ना तो हमेशा नंबर आगे आता है लेकिन जैसे ही नंबर सब्ट्रैक्ट होता है तो रोमन न्यूमरल्स में छोटा आ गया जाता है और बड़ा पीछे चला जाता है तो वी विल नॉट राइट इट एल एक्स तो हम इसको क्या लिखेंगे एक्स एल इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन हुआ है अगर छोटा आ गया है तो सब्ट्रैक्शन हुआ एट के लिए क्या लिखेंगे वी वन टू थ्री नाइनटीन मीन्स टेन प्लस नाइन एक्स वन नाइन एंड नाइनटी नाइनटी कैसे बनाया हंड्रेड माइनस टेन 10. हंड्रेड की रिप्रेजेंटेशन सी थी टेन की एक्स थी तो जब भी सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या लिखेंगे so, और बेटा जी आप मेरी रोमन न्यूमरल so, से सो द नेक्स्ट इज शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म का मतलब इकट्ठा करना सबको आता है सबसे पहले आप बड़ाई नंबर को देखिए वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक टेन लैख सो दिस इजन लैख वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टन थाउजेंड लैख सो दिस इज लैक वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड दिस इज थाउजेंड वंस टेंस तो देखिए अब आपके प्लेसेस आपके सामने हैं देखिए मेरे लिए कितना इजी हो जाएगा नाइन नाइन अब टेन थाउजेंड नहीं है तो आई विल राइट जेरो थाउजेंड के लिए वन हंड्रेड नहीं है जेरो नाइन और वंस नहीं है तो उसके लिए भी जेरो कितना इजी हो गया ना वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक so this is lakh ones tens hundred and this is ones so start with lakh eight thousand ten thousand दोनों नहीं है तो zero zero four tens नहीं है zero three देखा कितना ईजी हो जाता है जब आप प्लेसेस को लिख लेते हैं है ना तो नाउ न्यू कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वन के जी प्रॉन्स की कीमत दी गई है वन के जी स्क्ड की दी गई है अब कालू के पास हंड्रेड रुपीज है जिसमें से वो वन फोर्थ तो किस पे स्पेंड करता है स्क्वेड्स पे और थ्री फोर्थ करता है प्रॉन्स पे ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी डिस्कस किया था ना तो देखिए कालू के पास हंड्रेड रुपीज हैं ठीक है उसका वन फोर्थ और उसका थ्री फोर्थ डिनोमिनेटर आपको कहता है कि डिवाइड कर दो तो जैसे आप वन फोर्थ निकालेंगे तो फोर डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे हंड्रेड को जैसे ही आपने फोर से डिवाइड किया गेट ट्वेंटी फाइव रूपीज और न्यूमरेटर कहता है मल्टीप्लाई ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव तो बाकी के जितने रुपीज बच गए कालू के पास वो कहा यूज हो जाएंगे कालू के प्रॉन्स के लिए ठीक है नाउ हाउ मेनी के ऑफ स्कूड ही कैन बाय मैंने आपको बताया था जब भी आपको नंबर ऑफ स्क्विड निकालने किसी भी चीज का नंबर निकालना हो तो क्या करते हैं डिवाइड तो देखिए हमारे पास कालू के पास थे कितने ट्वेंटी फाइव क्विड के लिए चाहिए कितने थे 50. तो यू डिवाइड जी ऐसे ही जब आप प्रॉन्स के लिए करेंगे कालू के पास कितने थे सेवेंटी फाइव ही रिक्वायर्ड वन हंड्रेड फिफ्टी डिवाइड करेंगे हाफ के जी सो दिस इज योर आंसर नाउ द राइट द प्री डिसेर एंड सक्सेसर सबको आता है प्री डिसेसर एंड सक्सेसर मतलब प्री का मतलब एक पहले सक्सेस का मतलब एक बाद में तो जैसे ही आप इसमें से माइनस वन करेंगे तो यू विल गेट टू लैख थ्री हंड्रेड फिफ्टी एट और जैसे ही वन प्लस करेंगे तो नाइन प्लस वन टेन वन बोरो गेट टू लैख थ्री हंड्रेड सिक्सटी अब इसमें से वन माइनस कीजिए थ्री लैख नाइनटी नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी एट नाउ वेन यू विल एड वन फॉर द सक्सेस सर वॉट यू विल गेट लेटेस्ट चेक नाइन प्लस वन टेन बोरो प्लस वन टेन बोरो फोर सो वी विल गेट फोर लैख हमें क्या मिलेगा फोर लैख याद रखिएगा अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता तो ऐसे जैसे मैंने आपको एडिशन और सब करके दिखाया अपने सक्सेसर में आप ऐसे करके करिए आपके मिस्टेक नहीं होंगे होप ऑल द क्वेश्चन आर क्लियर टू यू